तो गाइस अभी हम इमोजी से लड़कियों के यानी गर्ल्स के नाम गेस करेंगे, जो हम लोगों ने एक बार पहले भी किया था। इस बार थोड़े अलग अलग नाम है, तो देखते हैं तुम लोग कितने गेस कर पाते हो। तुम्हें ग्रेड भी मिलेगा, तुम्हें पता है हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। देखते हैं तुम्हें ए बी एस सी ग्रेड में से कौन सा ग्रेड मिलता है, मुझे कमेंट में बताना। तो अभी फटाफट से हम लोग पहली इमोजी से लड़की का नाम गेस करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, मेरे को पता है तुम लोग सब लोग बता दोगे, इसलिए जल्दी से मुझे सभी से तुम लोग का आंसर नीचे कमेंट में चाहिए। तो फटाफट से करो। भाई ये तो सबने कमेंट कर ही दिया होगा, ये पहला नाम था जो कि ए से स्टार्ट होता है और ये है घुटना यानी कि नी, तो मिला देने पे बन गया एनी। भाई एनी नाम कितना फेमस है, और तो और एनी नाम पे एक फिल्म भी है हॉलीवुड में, शायद तुम लोगों ने देखा हो। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर दो यार, लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, एकदम फ्री है, दबा दो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन चलो इसी बात पे अभी हम लोग इमोजी से सेकंड वाला लड़की का नाम गेस करते हैं। ये भी तुम लोग के लिए बहुत ही सिंपल है, मुझे पता है तुम लोग बता दोगे। जस्ट इमोजी को देखो, थोड़ा जोर लगाओ और फटाफट से आंसर नीचे कमेंट में मुझे बता दो। मुझे पता है तुम लोगों ने ये भी बता दिया होगा, ये फर्स्ट वाला इमोजी बुलबुले का है जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बबल, और ये आई, तो मिला देने पे बन गया बबली। यस बबली, बंटी और बबली, कितना हम लोगों ने बबली बबली नाम सुना है, तुम लोगों ने भी सुना होगा और ये वाला भी आंसर तुम लोगों ने नीचे बताया ही होगा। तो भाई इसी बात पे सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, क्यों नहीं किया है सब्सक्राइब, फटाफट से करो, नोटिफिकेशन ऑल पे रखो, तभी तो वीडियो आ गई है तुम्हें पता चल जाएगा। चलो अभी ये थर्ड वाले इमोजी से फिर तुम लोग मुझे नाम भी बता दो, ये भी बहुत सिंपल नाम है। मैं एक हल्का सा हिंट भी दे देता हूँ, यहाँ पे इमोजी में फर्स्ट लेटर सी से शुरू होता है, लेकिन एक्चुअली में ये जो नाम हम लोग लिखते हैं वो सी से नहीं है। बस तुम लोग ने नाम गेस कर ही लिया होगा, इससे ज्यादा हिंट की जरूरत नहीं है। तुम लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है, तो फटाफट से अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से टाइप करके मुझे नीचे कमेंट में आंसर अभी अभी बता दो। देखो ये है सी और ये एक मॉम है यानी कि एक माँ है, तो मिला देने पे बन गया सीमा। सीमा मैंने कहा था ना, ये सी से सुनने में लगता है लेकिन एस से ये लिखा जाता है, प्रोनाउंस तो वैसे सी से ही होता है। क्यों भाई तुम लोगों ने ये बता दिया था ना, बिना हिंट के भी आई गेस तुम लोगों ने बता ही दिया होगा, मुझे पता है, लगता है तुम लोगों ने अभी तक सारे गेस किए हैं, कमाल की बात है। तो चलो अभी ये चौथा वाला भी बता दो, ये थोड़ा सा टफ है, हल्का सा टफ इसलिए है क्योंकि तुम लोग को इजी लग रहा था ना, तो अब इसका भी आंसर बताओ तो मैं जानूं। चलो हिंट मैं दे देता हूं कि ये एक हिंदी नाम है, मतलब इसको थोड़ा हिंदी में दिमाग लगाओ सोचने में, इस इमोजी के वर्ड को, तब तुम लोग फटाक से बता दोगे, तो दिमाग लगाओ और बता दूं। भाई बताया गया यार, कब तो गजब की बात है यार, तुम लोग तो ऑसम हो। नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना यार, टेंशन क्या चीज का है। ये एक कंपस है यानी कि ये डायरेक्शंस बताते हैं हमें, और मैंने कहा था हमें हिंदी में गेस करना है, तो डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं दिशा, तो नाम हो गया दिशा। भाई दिशा नाम तुम लोगों ने गेस किया था क्या यार, गजब की बात है ना यार, लगता है तुम लोगों ने ये भी गेस कर दिया था। तो चलो फिर अभी मुझे नेक्स्ट वाला भी बता दो, ये भी तुम लोगों के लिए बहुत सिंपल है, इसमें भी वही सेम हिंट अप्लाई होता है, ये लेटर ई से शुरू जरूर होता है लेकिन लिखते हम लोग कोई और लेटर से हैं। यस गाइस अब देखो इसमें भी इतना हिंट की जरूरत नहीं है, ये भी तुम लोग बता सकते हो, तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट में बता दो। देखो ये है ई, ये हमें कह रहा है चुप रहो, और ये है ए, तो मिला देने पे क्या बनेगा, ईशा। ईशा जो शुरू होता है आई से, जो कि मैंने हिंट दिया था। भाई लगता है तुम लोगों ने ये भी गेस कर लिया था, भाई कितना गजब की बात है। अगर इनमें से अभी जो भी हमारी फीमेल ऑडियंस देख रही है उसमें से किसी का भी नाम आया हो तो मुझे बताना है, अगर तुम्हारा नाम इसमें अभी तक मेंशन हुआ है तो, और आने वाले इमोजीज में होता है तो। चलो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट वाला इमोजी देखते हैं। ये वाला नाम तो आई गेस किसी ना किसी का जरूर होगा ही, ये बहुत ही पॉपुलर नाम रहा है और बहुत ही कॉमन नाम है, ये बहुत सारे लड़कियों का होता है ये नाम, तो इससे ज्यादा हिंट की
तो क्या ही जरूरत है, तुम लोग फटाक से मुझे इसका आंसर बताना है। अगर तुम्हारा नाम है तो ये मुझे बताना, तो भी तो चलो कमेंट करो। देखो ये फर्स्ट वाला क्या है, एक पिन है तो यानी पिन, और ये है एक चाबी यानी की, तो मिला देने पे बन गया पिंकी। भाई पिंकी नाम कितना पॉपुलर है और सब जानते हैं, क्या ये भी तुम लोगों ने गेस कर लिया था, कमाल की बात है। चलो फिर अभी मुझे ये नेक्स्ट वाला गेस करके बता दो। ये भी एक काफी पॉपुलर नाम रहा है, ये पॉपुलर इसलिए रहा है क्योंकि एक टीवी सीरियल में एक जज का नाम है, इस वजह से इसका नाम सब लोग जानते हैं। बस इससे ज्यादा अगर हिंट मैंने दिया तो भाई तुम लोग क्या ही बताओ, तब तो इजी है एकदम, तो ऐसे भी इजी हो चुका है तो फटाफट से कमेंट कर दो। देखो ये फर्स्ट वाला लेटर है आर, और ये क्या है सेकंड इमोजी में, ये है चना, तो मिला देने में बन गया अर्चना। अर्चना अर्चना पूरन सिंह कॉमेडी सर्कस में जज, हम लोग कितना ज्यादा उसका नाम सुन चुके हैं, मुझे पता है तुम लोगों ने कमेंट किया होगा क्यों भाई ये भी बता दिया था ना। तो चलो अभी फिर ये वाला भी बता दो, ये भी बहुत पॉपुलर रहा है, एक हिंट दूं क्या, ये बहुत ही फिर इजी हो जाएगा, चलो फिर भी इतने ही देते हैं। ये शाहरुख खान से रिलेटेड रहा है ये नाम, बस इससे ज्यादा हिंट और इससे ज्यादा इजी में नहीं बनाना चाहता, अब तो बता ही दो यार, फटक से बता दो। यह चाबी यानी कि की, और ये भाग रहा है यानी कि रन, तो मिला देने भी बन गया किरण, शाहरुख खान वाला किरण। तुम लोगों ने डर फिल्म देखी है क्या यार, उसमें किरण किरण कितना था, बहुत मस्त फिल्म थी। आई होप तुम लोगों ने ये वाला भी बताया था, भाई कमाल की बात है। तो चलो फिर अभी ये नेक्स्ट वाला भी बता दो, ये भी बहुत ही इजी है, इस वर्ड को बस हिंदी में सोचो और नाम मुझे चटक से तुम लोग कमेंट में बता दो। वैसे इसके दो नाम हो सकते हैं इसलिए मैं दोनों नाम कंसिडर करूंगा, तो फटाफट से मुझे बता दो। देखो ये बारिश हो रही है तो बारिश रिलेटेड दो नाम होते हैं, एक होता है बर्फ और एक होता है वर्षा। तो जो भी तुम लोगों ने कमेंट किया दोनों ही बिल्कुल सही था, तो तुम लोग अपने आप को क्रेडिट दे देना, लगता है सबके मजेदार मार्क्स आए हैं। तो चलो अभी एक लास्ट वाला गेस करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि किसके कितना ग्रेड आया है। ये भी बहुत ही सिंपल नाम है, बहुत ही पॉपुलर नाम है, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बता दो। देखो फर्स्ट वाला जूता है यानी कि शू, आइए लिखा है रू, और ये एक चाय है यानी कि टी, तो मिला देने में बन गया श्रुति। श्रुति यस गाइस, श्रुति नाम सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर नाम है, तुम लोगों ने ये भी बताया था क्या, तो अब मुझे बताओ तुम लोग का ग्रेड कितना आया, ए बी या सी। भाई जल्दी जल्दी बता दो मुझे, देखते हैं यार मजा आएगा। तो तब तक तुम लोग ये नेक्स्ट वाली इमोजी वीडियो सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम लोगों ने लास्ट वाली गर्ल्स नेम नहीं देखी तो वो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है, नहीं तो कमेंट में लिंक है, लोग देख सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं उस वीडियो में, टिल देन बाय बाय।